जादू तेरा ही जादू मेरे दिल में समाने लगा, तेरा ही जादू मेरे दिल दादी पप्पू यस दादी यस दादी यस दादी कहाँ था इतनी रात तक? आज तो तेरा शो भी नहीं था। वो हुआ यूं दा, आज फ्राइडे है, फिर पिक्चर देखने गया था। वो दादी इस सपना की फिल्में देखकर तुझे। दादी मैं उसका फैन हूँ, उसकी फिल्में देखे बगैर नहीं जी सकता ना। फैन? देख पप्पू आज मैं तुझे आखिरी बार कह देती हूँ, आइंदा तूने सपना की पिक्चर देखी तो तेरी आंखें निकाल कर गोटियां खेलूंगी। इस उम्र में पप्पू सो जा। सपना दादी की बातों का बुरा मत मानना डाली, वो बुढ़ी हो गई है ना, शी इज गॉन मैड, उसे क्या मालूम कि फैन क्या होता है। सपना तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी जिंदगी का सपना हो, बस एक बार मैं तुम्हें हकीकत में मिलना चाहता हूं, पता नहीं इस फैन नंबर वन का ये सपना का पूरा होगा। You idiot, can't you see? Are you blind or what? No, I'm not a blind. मगर मुझे लगता है कि तुम रोड को रनवे समझती हो, प्लेन की तरह उड़ती ही चली जा रही हो। ये ट्यूब लाइट की तरह आंखें चमका के क्या देख रही हो? पप्पू वो भी Hey, how are you, baby? तू बचपन में कितनी मासूम लगती थी, जवान हो गई एकदम जलवा हो गई हो बेबे। तुम भी बहुत चेंज हो गए हो, एकदम नन्हा फरिश्ता थे और अब राजा बाबू दिखने लगे हो। अरे हंटर वाली तू आज तक अपन लोगों का फिल्मी फंडा भूली नहीं है? अरे कैसे भूलती मेरे राजा हिंदुस्तानी, पूरे वर्ल्ड में हम दो ही तो हैं जो हर बात पे फिल्मी टाइटल्स बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम तो अपनी मदर इंडिया के साथ परदेश चली गई थी, फिर ये अचानक जिस देश में गंगा रहता है वहाँ कैसे चली आई? बस स्टेज क्वीन बनने का अरमान हुआ और दिल ने कहा आ अब ला चले। ओके वैसे बाय द वे मैं तो स्टेज की दुनिया का बादशाह बन गया हूँ। सच्ची? हाय मुझे भी अपना साथी बना लो ना प्लीज। व्हाई नॉट, हमारा यारा ना तो बहुत मस्त रहेगा, हम दोनों मिलकर स्टेज की दुनिया के ताल बदल लेंगे। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक्स। सपना जी क्या आप हमारे शो के दर्शकों को बताएंगी कि आप किसी की दीवानी हैं? सच कहूं कल तक तो ऐसा कोई नहीं था, मगर अब एक साथी मिल गया है। तो सपना जी आप हमें उस लकी प्रिंस का नाम बताइए। राहुल। क्या कर रहे हो राहुल? सेलिब्रेटिंग, आई एम सो हैप्पी सपना, इस महीने की 20 को हम शादी कर रहे हैं। व्हाट? यस पंडित जी ने डेट निकाली है। ओह आई डोंट नो हाउ हैप्पी आई एम टुडे। सपना तू मेरा सपना हो और मेरा सपना सच हो गया, माय ड्रीम हैज कम ट्रू। ओह आई एम द लकीएस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड। सपना तुमने अच्छी तरह सोच लिया ना, शादी के बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, मेरी दुनिया तुम्हारी फिल्मी दुनिया से काफी अलग है। राहुल अब तो तुम्हारा प्यार ही मेरी दुनिया है। अरे प्यार कितना तो कितना, लेकिन परेश वालों के सामने मुंह खोलने की क्या जरूरत थी? प्यार किया है, चोरी नहीं। ओए ये कोई मालवा के मंजीत सिंह और दुआवा की रंजीत कौर का प्यार नहीं आएगा जो एवं कह देता कि प्यार कितना है चोरी नहीं। ओए तू एक स्टार है, तोड़ी एक इमेज है, लक्को नौजवान तेरे को देखने के वास्ते तरसते हैं, तेरे पे मरते हैं। और तूने तूने सिर्फ ये कहकर कि तू किसी से प्यार कर दी है उन लाखों दिलों को कांच की तरह तोड़ दिया। टूट गए हैं तो टूटने दो, आई डोंट केयर, मेरा भी दिल है, मेरे भी दिल में किसी की चाहत हो सकती है, मैं कोई चाबी का खिलौना नहीं, इंसान हूं। कब तक झूठे आंसू और बनावटी मुस्कान की एक्टिंग करते फिरूंगी? शादी और करवा चौथ के सीन कर करके मैं थक गई हूं। स्टार हूं तो क्या हुआ, मेरा भी सपना वही है जो एक आम लड़की का होता है। मैं भी चाहती हूं कि मेरा एक घर हो, मुझे कोई प्यार करने वाला हो, अपना संसार हो। एक्टिंग मेरा प्रोफेशन है, जिंदगी नहीं। Thank you.
सपना तो अपने साजन के घर जा रही है। तुम कब दूल्हे राजा बन रहे हो? जिस दिन कोई चांदनी मिली दुल्हन हम ले जाएंगे। क्यों? तुम्हें लाइफ में कोई ऐसी लड़की नहीं मिली? लड़कियां तो वैसे बहुत सारी मिली, मिली गुड्डी जूली, मगर ऐसी कोई नहीं मिली जिसे देखकर दिल की धड़कन कहे कहूं ना प्यार है। और मैं, मेरे बारे में क्या ख्याल है? पप्पू इतनी जल्दी घर आ गया? अरे तेरे ऑर्केस्ट्रा का पार्टिया उतर गया क्या? देख दादी, मैं तेरे लिए नारियल पानी लाया हूँ। अभी क्यों मारा? नारियल पानी ताकि मुझे सर्दी हो जाए, फिर बुखार, फिर निमोनिया, फिर उसी से मैं मर जाऊं, यही ना? अरे नहीं दादी नहीं, मैं तो चाहता हूं कि मेरे बच्चों के बच्चे भी तुझसे थप्पड़ खाते रहें। दादी तू नहीं चाहती कि मेरी शादी हो जाए, मेरी बीवी तेरी सेवा करे, मेरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे तेरे गोदी में सुसु करे? तो तू शादी करेगा? दादी मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, मुझे तेरी फिक्र है। तू घर में अकेली रहती है ना, तेरी कंपनी के लिए कोई तो चाहिए ना। तेरी नजर में कोई लड़की है? बॉबी मेरे ऑर्केस्ट्रा में गाना गाती है, आती है क्या खंडा लगा के, उसने मेरे दिल में कुछ कुछ कर दिया है। घर में नाचने वाली लाएगा? नाचने वाली नहीं है, वो बहुत अच्छा गाना गाती है, वो बहुत अच्छे घर की लड़की है दादी। तुझे तो अच्छे घर की लगेगी। अरे तेरी उम्र ही क्या है, चला शादी करने, 5-10 साल और ठहर जा, फिर मैं तेरे लिए लड़की ढूंढूंगी रानीखेत से, समझा? नहीं बॉबी नहीं, तुम्हें गंगा के साथ, मैं मरते दम तक तुम्हें जान देने नहीं दूंगा। बॉबी ये कैसी दीवानगी है, हम तुम पे मरते कहते कहते काटी पतंग की तरह सचमुच जान देने जा रही हो? मैं क्या करूं, ये दिल तो पागल है, तुम्हारी जुदाई की बात सही कुछ कुछ होता है। मुझे कुछ वक्त दो, मैं वचन देता हूँ कि तुम ही मेरी बीवी नंबर 1 बनोगी। तुम कयामत से कयामत तक कोशिश कर लो, दादी कभी नहीं मानेगी, क्योंकि तुम्हारी दादी मुगले आजम से भी ज्यादा खतरनाक है, वो सलीम और अनारकली का मिलन नहीं होने देगी। तुम दादी का डर अपने मन के थिएटर से निकाल दो, अगर वो मुगले आजम है तो मैं कोई अनाड़ी नहीं, हीरो नंबर 1 हूँ, हमारा संगम होकर रहेगा। बॉबी तुम्हारे दादी के मरते दम तक हम एक दूसरे के नहीं हो सकते। ऐसा मत कहो पाकिजा, मैंने प्यार किया है, मैं शादी का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। ओह शट अप, तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो तुम मेरी कुर्बानी दे दो या फिर अपनी दादी का कत्ल कर दो। क्या बात करती हो, क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं जिससे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे? नहीं, यही आखिरी रास्ता है। पप्पू। यस दादी। अरे कॉफी का क्या हुआ? अभी लाया दादी। तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो तुम मेरी कुर्बानी दे दो या फिर अपनी दादी का कत्ल कर दो। पप्पू। यस दादी। एक कप कॉफी बनाने में इतना वक्त लगता है, मखड़ा गाना गा रहा होगा। कॉफी दादी? हरकत का क्या मतलब? वो कॉफी में मक्खी गिर गई थी। मक्खी की खातिर तूने कप तोड़ डाला? हाय, कप के सारे टुकड़े चुन ले, मेरी नजर कमजोर है और अगर एक टुकड़ा भी मेरे पाँव में लगा तो तेरी खैर नहीं है, समझा? अब मैं जा रही हूँ नहाने। अरे कॉफी पीने दी होती तो ही अच्छा होता। दादी
तू अभी नहीं बच सकती, तू तो इसकी आवाज से ही ढसल जाएगी। रमाकृवहारम ब्रज कविहारम सर्वतम सदा तुम गोविनंदम परम सुख कंदम भजतरे निराधार धारम भवजल दीपारम परपुनम रमाग्रिवहारम ब्रज कविहारम हरनुतम सदा तुम गोविनंदम भरम सुख कंदम। दादी गई। ये बाजा क्या कर दिया? कौन है ये बाजा? क्या कर रहा है यहाँ? हैं? वो तो अच्छा हुआ कि नहाने के बाद मैंने सर्दी से बचने के लिए कानों में रुई डाल ली थी। रुई रुई नहीं तो मुझे तेरा बेसुरा बाजा सुनना पड़ता। खड़ा क्या देख रहा है? मुझे कॉफी कौन पिलाएगा? अरे जा। यस दादी। और ये बोपरी एक बात बोलेगा पूरा नहीं मानेगा। इतना अच्छा लोकेशन किधर से ढूंढ के लाया? चुन्नू दा ये लोकेशन नहीं, राहुल का फार्म हाउस है। और ये बोपरी अब समझा, दिल तो पागल है। शूटिंग जल्दी पैकअप हो गया तो आप राहुल साहब को ये सरप्राइज देने के लिए आया। प्यार में ये छोटे सरप्राइजेस ही बड़ी बड़ी खुशियां देते हैं। बुरा नहीं मानने का, घुसते बेचो। Hey, you're too much, Rahul. शादी की डेट फिक्स हो गई पर तुमने फ्लर्ट करना नहीं छोड़ा। फ्लर्ट कौन कर रहा है? मैं तो हनीमून की रिहर्सल कर रहा हूँ। वेरी स्मार्ट। रिहर्सल मेरे साथ और शादी सपना के साथ। राहुल क्या करूँ, हम इंडस्ट्रियलिस्ट की शादी भी एक बिजनेस स्ट्रेटजी होती है। We don't need a housewife. हमें तो एक फेमस चेहरा चाहिए जो सोसाइटी में हमारे साथ उठ बैठ सके, जिसकी फेम का हम बिजनेस में फायदा उठा सके। आज सपना एक टॉप एक्ट्रेस है। हमारी शादी के अनाउंसमेंट के साथ ही हमारी कंपनी वर्ल्ड ओवर फेमस हो गई। ये शादी नहीं एक बिजनेस डील है। You know what I mean? बाकी सबको पता है कि शो बिजनेस में टॉप पे आने के लिए क्या क्या सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। सपना नाम मत लो मेरा। मेरे रिश्तेदार तो मेरा पैसा खाते थे, तुमने तो मेरे प्यार, मेरे विश्वास, मेरे अरमान, मेरे सपनों को ही अपना बिजनेस बना डाला। सपना एक मिनट मेरी बात सुनो। सपना मुझे गलत मत समझो। देखो Don't touch me. सपना listen to me. Don't touch me and you listen to me. मैंने तुम्हारे लिए मेरे अपनों से झगड़ा किया, अपने फैंस, अपने प्रोड्यूसर्स, अपने करियर का ख्याल नहीं किया, और तुमने सपना listen to me. सपना क्या कर रही हो? I'll kill you. Control yourself. I'll kill you. I hate you. Sapna, relax. You're a liar. You're a cheat. I'll kill you. Do not leave me. I hate you, you're a cheater, you're a liar, I'll kill you, I'll kill you, leave me to the dark, I'll kill you.